हेलो, जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय रक्षाबंधन के एक दिन पहले ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को पूछा जाए कि रक्षाबंधन का मतलब एक्चुअली उनके लिए है क्या। दर्शन मोनकर ने ये टी शर्ट्स लगभग अब तक 4-5 हज़ारों लोगों में बांट दी है। बेटी बचाओ या बेटी बचाओ, सेव दी डॉटर, कल रक्षाबंधन है। अभी मैं वसई रोड से मुंबई सेंट्रल के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ लोकल ट्रेन में, क्लास 2 कंपार्टमेंट है। दोस्तों, रक्षाबंधन का मतलब पिछले 10 साल में या 20 साल में काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले ये सिर्फ एक फेस्टिवल हुआ करता था, लेकिन अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। पहले घर के अंदर रक्षाबंधन एक बार धागा बांध दिया तो वो सुकून से रह सकती थी कि 10 साल तक या अगले एक साल तक, जब तक अगला रक्षाबंधन नहीं आता है तब तक आई एम सेफ, नोबडी कैन टच मी बिकॉज ब्रदर्स आर हियर। लेकिन पिछले 10-15 साल में एक डिफरेंस आया है। आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, आप जिस एरिया से गुजरते हैं, वहाँ पे फर्क ज़रूर पड़ा है। हम देखते हैं आज अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी रक्षाबंधन के लिए छुट्टी लेकर, जिनको छुट्टियां नहीं मिली हैं, वो अपने घर को जा रहे हैं। दे आर द पीपल जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, अपनी रोज़ की मेहनत ख़त्म करके अपने घर पहुंचना चाहते हैं ताकि कल रक्षाबंधन अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ मना पाए। तो अभी मैं वसई रोड से ट्रेन में हूँ और हम लोग जा रहे हैं मुंबई सेंट्रल। आइए कुछ लोगों से बात करें कि रक्षाबंधन का मतलब है क्या। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट राजा चौधरी जानबूझ के आज ये टी शर्ट पहन के आया हूँ। और मैं सूरत से चला हूँ, पहले मैं अहमदाबाद से चला था, फिर मैं सूरत से चला हूँ, और एक एक जगह पे लोगों से बात करता गया कि बेटी बचाओ या बेटी बचाओ। आप समझ रहे इसका मतलब, एक नारा दिया गया है कि बेटी बचाओ, और आज बेटियां चिल्ला रही हैं कि बेटी बचाओ। दोनों में कितना फर्क है, आइए आज लोगों से बात करें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम है। कल रक्षाबंधन है, इसकी सिग्निफिकेंस आपके लिए क्या है? ये तो बहुत बड़ा हिंदू त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है बहुत बड़ा, और इस दिन हर कोई बहन अपने भाई से चाहती है कि भी उसकी रक्षा हो, और भाई भी चाहता है कि अपनी बहन की रक्षा करे। इसलिए जो पवित्र बंधन है वो एक साथ जैसे बांधते हैं रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते हैं, तो कम से कम उसको इतना तो रहता है कि मैं मेरी बहन की सेफ्टी ज़रूर करूँगा, कोई भी जगह भी उसकी तकलीफ आएगी। दूसरा रहा कि अभी जैसे चल रहा है स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ भी ठीक बात है, पर अभी जैसा हो रहा है वो थोड़ा बरोबर नहीं है। क्या बरोबर नहीं है, आपको क्या लगता है, क्या कमी क्या है आज सिस्टम में? ऐसा नहीं जो कोई भी लोग अनसेफ जान समझ रहे अपने को, जैसे लेडीज़ है कुछ भी, तो ये चीज़ अभी लोगों में थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। अभी भी लोग अभी भी ऐसा है कि समझ नहीं पा रहे कि भी पहले लेडीज़ है तो उसको चढ़ने दे या उतरने दे, वो चीज़ नहीं समझते, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। रक्षाबंधन कल आ रहा है, तो एक तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले ये होता था कि आपने एक धागा बांध दिया या एक राखी बांध दी तो आपको गारंटी रहती थी कि मेरा भाई है, आज वो चीज़ है क्या?
वैसे है, ऐसी बात तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत अभी चेंजेज आया है, ये बात तो बराबर है, बाकी ऐसी कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। हम लोग आपका शुभ नाम क्या है? गौतम जैन। आप मुंबई में ही रहते? विले पार्ला रहते हैं। विले पार्ले रहते हैं। आपसे बात करें, आपका शुभ नाम भाई साहब? सरवार। सरवार, आपके लिए रक्षाबंधन क्या मायने रखता है? थोड़ा तेज बोलिए। रक्षाबंधन भाई बहन के एक मिलन है, जो उसको रिलेशन को और भी आगे मतलब तो रिस्पेक्ट करते हैं। और आज तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, उसमें भी थोड़ा मायने रखेगा ना रक्षाबंधन, उसके लिए और भी मजबूत होगा। वो जो जो धागा है ना, धागा में बहुत ताकत है। वो समाज को अच्छा मैसेज देगा रक्षाबंधन की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रक्षाबंधन क्या भाई बहन में ही हो सकता है? रक्षाबंधन कोई भी जो रक्षा करे उसका बंधन। हाँ, कोई भी किसी भी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन आज की सोसाइटी में आपको लगता है कि बहनों की रक्षा भाई लोग उस हिसाब से करते हैं जो आज से 20 साल पहले करते थे? करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं है कॉन्फिडेंस का शब्द नहीं बोल सकते जरा करते हैं। आप क्या चाहते हो अगले 10 साल में भारत की बहनों के प्रति या लड़कियों के प्रति क्या एक्सपेक्टेशन, क्या करना चाहिए? अभी जो हमारा प्रधानमंत्री जिसने किया वो अच्छा मैसेज दिया है ना। नहीं, मैं यहाँ पॉलिटिक्स ला ही नहीं रहा हूँ, मैं भाई बहन के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, इसमें पॉलिटिक्स कुछ है ही नहीं। भाई बहन के रिश्ते में क्या ऐसा होना चाहिए आज से 10 साल बाद, जब कोई भाई बहन आज से 10 साल पहले जैसे होता था, जैसे भाई बहन को एक बार धागा बांधते थे साल में, उसको गारंटी होती कि 10 साल एक साल या दो साल वो रक्षा करेगा। अब वो है नहीं, अभी वो नहीं लगते नहीं लगते नहीं लगता वो चीज़ खत्म हो गई। तो वो चीज़ को डेवलप करने के लिए क्या, वो इज्जत फिर से भाइयों के कैसे पड़े? जनरेशन ना चेंज हो रहा है, इसके लिए जनरेशन हमारा जो भारत की जो संस्कृति है ना, वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। पहले जो संस्कृति था अभी वो नहीं है, अभी कोई किसी की इज्जत ही नहीं करते है ना, उसके लिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसको बरकरार करना तो आप जैसे आदमी को भी सबको हर एक आदमी को आगे आना चाहिए। तो बेटी बचाओ या बेटी बचाओ, समझ में आ गया मैंने ये टी शर्ट क्यों पहनी है। और हमारे ऐसे 22 लोगों ने पूरे मुंबई में ये टी शर्ट क्यों पहनी है, सेव दी डॉटर, सेव दी गर्ल, सेव दी सिस्टर नियर यू। वो कोई भी लड़की हो सकती है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपकी भाभी हो सकती है, वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी बीवी हो सकती है। आपका काम क्या है? आप मेल हो या फीमेल भी हो, आपका काम है जो आपके बगल वाला है उसको सिक्योर करना। जात धर्म प्रांत कोई मतलब नहीं रखता। हम क्या करते हैं, मैं भी करता हूँ, बगल में कुछ हो रहा हो तो मैं आंख नीचे करके वहां से निकल जाता हूँ, मुझसे क्या मतलब, करता हूँ ना, आप भी करते हो। ये टेंडेंसी चेंज होनी चाहिए, मुझसे मतलब, मेरा देश, मेरी बहन, मेरा प्राण।